इसमें मेन इम्पॉर्टेंस जो है वो इंडिविजुअल को दी गई है कि एक इंडिविजुअल ही है जिसको डेवलप करना एजुकेशन का मकसद है क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हम एक इंडिविजुअल में लाएंगे उतना ही बेहतर इंसान हम उसको बना पाएंगे ताकि वो समाज के काम जो है आ सके इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि इंसान जो होता है उसमें बहुत से टैलेंट बहुत सी एबिलिटीज़ जो है बहुत से स्किल्स जो है छुपे हुए होते हैं बट सिर्फ ज़रूरत होती है उन चीज़ों को बाहर लाने की और ये बाहर लाने का काम कौन करती है एजुकेशन एजुकेशन के ज़रिए ही हम उसके छुपे हुए टैलेंट को समझ सकते हैं और बाहर ला सकते हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन मीन इम्पोर्टिंग नॉलेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स डिजायरस एंड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इट आल्सो मीनस ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि इस तरह की तालीम एक इंडिविजुअल को दी जाए जिससे उसकी ज़रूरत को नज़र में रखते हुए उसके ख्वाहिशात को नजर में रखते हुए उसके, उसके इंटरेस्ट को, को नजर में रखते हुए वैसी ही तालीम हमने एक इंडिविजुअल को देनी है ताकि उसकी फुली डेवलपमेंट हो जाए उसकी पर्सनैलिटी को फुली डेवलप करना है ताकि उसकी पर्सनालिटी का हर एक एस्पेक्ट जो है डेवलप हो चाहे वो उसका फिजिकल एस्पेक्ट हो सोशल एस्पेक्ट हो चाहे मॉरल एस्पेक्ट हो चाहे उसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो या कल्चरल uh, इस्पेक्ट हो दिस एम गिव फर्स्ट प्रायॉरिटी टू इंडीजुअल डेवलपमेंट बिकॉज इंडिजअल इज़ टूल फॉर सोसाइटी ये एम ज़्यादा प्रेफ्रेंस जो है किस को देता है एक इंडिजुअल की डेवलपमेंट को देता है यानी इंडिजअल ही वह हथियार है जिस हथियार का इस्तेमाल करके हम अपने समाज को और बेहतर और सिविलाइज और, और अच्छा जो है आ, बना सकते हैं एन इंडिजुअल इज देंट्रल फिगर इन दोशल सेटअप ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट फॉर द बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडिजुअल ए वेल कल्चर्ड एंड सिविलाईज परसन कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी इंडिजुअल जो है वो मेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे समाज का उसके बिना समाज जो है वो अधूरा है और एक सिविलाइज्ड इंसान ही समाज में बदलाव ला सकता है ये तभी पॉसिबल है जब उसको इसी तरह की जो है तालीम दी जाए हमें उसको ऐसी तालीम देनी चाहिए जिससे वो अपनी जिम्मेदारियां जो है समझे अपने घर के लिए अपने समाज के लिए एक अच्छा इंसान जो है वो साबित हो नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इन द नो सेंस इंडिजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज गिवन लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन नैरो मीनिंग में इंडिजुअल एम को क्या कहा गया है सेल्फ uh, एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को बाहर लाना दूसरों के सामने हम उसको uh, रख सकें ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर एंड नेचुरल डेवलपमेंट यानी बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए चाहिए वो मॉरल हो फिजिकल हो स्परिचुल हो और नेचुरल uh, डेवलपमेंट uh, होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फिलासफी द चाइल्ड शुड बी गिवन कम्पलीट फ्रीडम टू डेवलप अकॉर्डिंगली टू हिज इंस्टिंगट इस फलॉसफ़ी के अकॉर्डिंगली क्या है कि बच्चे को पूरी तरह से आज़ादी देनी चाहिए उसको पूरी फ्रीडम हमें देनी चाहिए उसको पूरा मौका मिले अपने आप को डेवलप करने का उसके अंदर जो ख्वाहिशात हैं इमोशंस हैं जो बचपन से उसमें कैपेसिटी है वो डेवलप कर सके नेरो सेंस में तीन चीजें आती हैं पहला आता है सेल्फ एक्सप्रेशन दूसरा आता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर और तीसरा जो है तीसरा आता है नेचुरल डेवलपमेंट तो अब जो है अब हम वाइडर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे इन द वाइडर सेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एज एन एम ऑफ एजुकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज सेल्फ रियलाइजेशन नेरो मीनिंग में हमने उसको सेल्फ एक्सप्रेशन का नाम दिया था और वाइडर मीनिंग में हम इसको देंगे सेल्फ रियलाइजेशन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप को रियलाइज करना पहचानना अपने अंदर के टैलेंट को जो है पहचानना बच्चे को फुल फुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को जो है पहचान सके और जो है बाहर ला सके अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग वाइल कीपिंग इन व्यू नीड्स इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज़ द चाइल्ड शुड बी गिवन ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे की ज़रूरत, दिलचस्पियाँ और उसकी सलाहियत को नज़र में रखते हुए कि बच्चे को हमने पूरा मौका uh, देना है विच में हेल्प हिम इन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ ऑल हीज़ पावर्स एंड इन मेकिंग हिम एन एक्सीलेंट इंडिजल जिससे उसकी मदद हो सके टोटल डेवलपमेंट ऑफ ऑल हीज़ पावर्स सारी पावर्स uh, जो हैं डेवलप हो सकें और वो एक फुली डेवलप्ड पर्सनालिटी बने जो अपने समाज के लिए भी कल को कुछ कर सके एक इंसान फिजिकली भी फिट होना चाहिए मेंटली भी वेल well होना चाहिए सोशली भी वो अच्छा होना चाहिए ताकि जो है उसकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट जो है वो डेवलप हों तभी वो जाके एक अच्छी शख्सियत जो है बन सकता है तो आज जो है आज हमने इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा और नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम और वाइडर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम के बारे में जो है आज हमने पढ़ा तो डेट इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू